हेलो गर्ल्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। बेसिकली ये कोई नेक्स्ट टॉपिक ना होके एक सब टॉपिक है। अभी हमारी स्टडी रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पे चल रही थी, आप सभी को पता है। हम जानते हैं कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में चार प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं। नंबर 1 जनरल पर्पज़ रजिस्टर, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। नंबर 2 फ्लैग रजिस्टर, दैट इज़ ऑल्सो डिस्कस्ड इन द क्लास। थर्ड रजिस्टर इज सेगमेंट रजिस्टर, ये हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था, आप सभी ने पढ़ा होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप ऑफ रजिस्टर इज पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। ओके, सो आज हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए रहेगा पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। ये रजिस्टर क्या होते हैं, क्या इनका एप्लीकेशन है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि आपके नोट्स में लिखा है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। हमारे पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टैक पॉइंटर, नंबर 2 बेस पॉइंटर, नंबर 3 सोर्स इंडेक्स, नंबर 4 डेस्टिनेशन इंडेक्स एंड नंबर 5 इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है, ये 5 प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं फोर्थ ग्रुप में, दैट इज पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। इन्हें पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर कैटेगरी में 5 प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं। आपको रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है, ये मैं रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आपको कराई हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप सभी देखिए, ये डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, इसको हम हर रजिस्टर के डिस्कशन में आपको दिखा रहे हैं। मोटिव केवल एक ही है दिखाने का, कि जिससे आप इस किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अलग ना समझें। बेसिकली हमारा टॉपिक क्या था, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इन दिस डायग्राम वी हैड डिस्कस्ड अबाउट जनरल पर्पज रजिस्टर। ओके, यू आर सीइंग हेयर AX, BX, CX, DX, राइट। नंबर 2 सेगमेंट रजिस्टर, CS, DS, ESSS, ये भी आप कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। थर्ड कैटेगरी इज पॉइंटर रजिस्टर, इसमें पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर्स में आता है आपका SP। आप यहाँ से देखिएगा, SS लिखा है यहाँ पे, SS के बाद क्या है, SP। सो SP मीन्स स्टैक पॉइंटर, BP बेस पॉइंटर, SI सोर्स इंडेक्स, DI डेस्टिनेशन इंडेक्स एंड लास्ट वन इज IP, दैट इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, राइट। सो इन सभी के आगे क्या लिखा हुआ है, 16। क्या लिखा हुआ है, 16। इसका मतलब ये रजिस्टर आपके 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। ओके, अब मैं बताऊंगी कि क्या इनमें क्या स्टोर होता है। भाई रजिस्टर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्टोर होगा। सभी को पता है रजिस्टर एक स्टोरेज एलिमेंट होता है, स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, एलिमेंट तो नहीं कहेंगे हम, डिवाइस बोलेंगे, स्टोरेज डिवाइस होती है। तो जब स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है 16 बिट का, तो इसके अंदर क्या स्टोर होता है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, नोट्स में लिखा हुआ है, पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर कंटेन द ऑफसेट। पॉइंट जितने भी हमारे पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर होते हैं, पॉइंटर हमारे 3 तरह के हैं, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंडेक्स रजिस्टर हमारे 2 प्रकार के हैं, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो पॉइंटर और इंडेक्स दोनों तरह के जो रजिस्टर हैं, यानी 5 प्रकार के जो रजिस्टर हैं, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, 5ों में क्या 16 बिट वैल्यू स्टोर होती है। वो 16 बिट वैल्यू क्या डिफाइन करती है, ऑफसेट। ठीक है,